कैसे लोग, वेलकम टू नॉलेज बॉक्स। आज है 11 जुलाई और हम लेने आए हैं फर्स्ट सिफ का एग्ज़ाम रिव्यू। तो एग्ज़ाम से स्टूडेंट्स आ चुके हैं और काफ़ी कल का जो रिव्यू है काफ़ी लोगों ने देखा, बट सिर्फ दो लोगों ने ही चैनल सब्सक्राइब किया। प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पूछते हैं कि कैसा एग्ज़ाम का लेवल? थोड़ा सा मॉडरेट था। मॉडरेट इन द सेंस ऐसे कि अगर आपने इंग्लिश ढंग से नहीं, मतलब मुझे थोड़ा इंग्लिश टफ लगा क्योंकि मेरी कमज़ोर है थोड़ी इंग्लिश। रीजनिंग मैंने अच्छे से करी है, मैथ भी डूएबल था काफ़ी अच्छे तरीके से। और ओवरऑल पेपर देखें तो आपने, अगर आप इंग्लिश में अच्छे हैं ना तो आप अच्छे से करके आएंगे, 75 प्लस तो करके आएंगे। यस। और सर कोई क्वेश्चन याद होगा मैथ्स में या रीजनिंग में? सर ऐसे तो कोई क्वेश्चन याद नहीं है, बस ये याद है कि कौन कौन से टॉपिक थे, नंबर सीरीज थी। कितने क्वेश्चन आए नंबर सीरीज से? 5 मिसिंग। ओके। और एक डीआई थी और एक केसलेट था 4 नंबर का, और सिंप्लीफिकेशन थे। सिलोक से कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है? सिलॉक्स के अंदर सर एवरेज ही है, इतना कुछ नहीं, मतलब ओनली फ्यू आइदर और केस या क्या पूछ रहा है? नहीं, नॉर्मल जैसे सर हमेशा एग्जाम में आता है। ओके। वैसे ही है। और पजल की बात करें तो सर पजल कितने टाइप्स की आ रही हैं? पजल सर फ्लोर वाली थी, फ्लोर वाली नहीं थी सॉरी, एक तो सर्किल वाली थी है ना, और एक्चुअली मैं रिमेंबर कर नहीं पा रहा हूँ अभी, बट जितना हमेशा जो पहले आती है ना और बिल्कुल इजी लेवल की थी, ऐसा कुछ नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड जा रही है, और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं थी, बिल्कुल परफेक्ट थी जो क्लर्क लेवल के एग्जाम में आनी चाहिए। किस जोन से फॉर्म भरा सर आपने? सर राजस्थान से। राजस्थान से। ओवरऑल कितना टाइम किया सर आपने? सर मैंने कराया 72। 72 में एक्यूरेसी क्या बोलेंगे? 95%। चलिए सर ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। रॉयल एनफील्ड वाले भैया से पूछते हैं, सर कैसा रहा एग्जाम? हाँ बढ़िया था, ओवरऑल गुड था। तो रॉयल एनफील्ड की तरह मजबूत था या फिर प्लेटिना था? नहीं सही सही था, मीडियम था। मीडियम था। हाँ एवरेज इसको। इंग्लिश के सेक्शन की बात करें तो कैसा रहा सर? हाँ इंग्लिश थोड़ा टफ था। Okay. मतलब अंडरस्टैंडिंग थोड़ी टफ थी। Okay. क्लोज टेस्ट और पैसेज दोनों आ रहे हैं? हाँ हाँ सर। ओके। और एरर से कितने क्वेश्चन पूछे हैं इसमें? सर एरर से ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन थे सर। और सर अरेंजमेंट से? अरेंजमेंट से 5 क्वेश्चन थे सर। 5 क्वेश्चन थे। ओके। अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ में सर डीआई कैसी थी? तो सर हाँ वैसे तो लेंथी थी, इक्वेशन दो थी, कैलकुलेशन लेंथ थी, बाकी इजी थी। और अर्थमेटिक के क्वेश्चंस किस तरीके के थे, मतलब थोड़ा सा घुमा के थे या फिर थोड़ा सा एवरेज? एवरेज ही था। एवरेज ही। ओके। नंबर सीरीज आई है सर इसमें? नंबर सीरीज आई सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आए, एक दो क्वेश्चन ही आए। क्वाड्रेटिक के कितने हैं सर? क्वाड्रेटिक के भी 2-3 क्वेश्चन इतने ही है। अगर हम रीजनिंग में इनइक्वालिटी की बात करें तो इनइक्वालिटी क्वेश्चन देखने को मिला क्या? हाँ देखने को मिला। हाँ तो सर आया था। ओवरऑल सर कितना टाइम किया आपने? ओवरऑल टाइम सर मैंने 70 प्लस किया, 73। तो 70 प्लस में सर एक्यूरेसी क्या बोलेंगे, कितने परसेंट है? 65 प्लस। ओके। किस जोन से फॉर्म भरा सर आपने? सर राजस्थान से भरा है? हाँ नहीं सर राजस्थान। चलिए सर ऑल द बेस्ट आप। ओके सर थैंक यू। ठीक है सर। कैसा रहा एग्जाम का लेवल? एग्जाम का लेवल सर इजी था, ज़्यादा टफ नहीं था, मॉडरेट लेवल कह सकते हैं। मॉडरेट लेवल। अगर हम बात करें सर रीजनिंग की तो रीजनिंग कैसे लगी सर आपको? रीजनिंग इजी टू मॉडरेट थी सर। सारी इजी टू मॉडरेट थी। ओके। मतलब सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं रीजनिंग में? रीजनिंग में हाँ ऑल ओवर। इसमें क्या है जैसे एक शिफ्ट में सिलोक्स के, उसके बी एस के पूछ लिए, फिर नेक्स्ट शिफ्ट में दोनों घटा के तीसरे पूछ लिए, सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं। पजल वगैरह कैसी लगी सर आपको? पजल सर इजी टू मॉडरेट थी सारी, मतलब टफ नहीं थी, टफ नहीं कह सकते। और अगर हम बात करें सर यहाँ पे मैथ्स की तो मैथ्स में सर डीआई कैसे आ रही है, मतलब एवरेज है फिर थोड़ी सी इजी है? डीआई एवरेज है और टेबल ग्राफ है, और जो केसलेट डीआई है वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है बट इजी है। इनइक्वालिटी क्वेश्चन आ रहे हैं? हाँ इनइक्वालिटी क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके ओके। सर अगर हम बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश का लेवल कैसा लगा आपको? इंग्लिश का लेवल इजी था सर, ज़्यादा टफ नहीं था। मतलब अगर हम बात करें पैसेज से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं फिर 8 क्वेश्चन पूछ रहे हैं पेजेस से? 10 क्वेश्चन। ओवरऑल सर कितना टाइम किया आपने? ओवरऑल सर मैंने किया था अटैम्प्ट 85 प्लस, 86 किया था। 86। तो 86 में क्या एक्यूरेसी बोलेंगे सर आप? 86 में 80% एक्यूरेसी, 90%। चलिए सर ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सो गाइज ये था आज के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम रिव्यू। तो इजी टू मॉडरेट ही है इस शिफ्ट का भी पेपर। अगर हम बात करें टॉपिक्स की तो सिलोक्स भी पूछा है, इनइक्वालिटी भी पूछी है यहाँ पे, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, ठीक है, पैसेज 10 क्वेश्चन है आपके, क्लोज टेस्ट है। तो ओवरऑल जिस पैटर्न का पेपर आता है उसी पैटर्न का पेपर आ रहा है, तो बस आप लोग अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए, अपनी जो कैलकुलेशन स्पीड है उसको इंक्रीज़ कीजिए, क्योंकि जो परेशान आपको कर सकता है वो आपको मैथ में अर्थमेटिक थोड़ा सा टाइम टेकिंग लग सकता है, बाकी टॉपिक आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो अब मिलेंगे किसी नए शिफ्ट में, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।